दोस्तों, करंट इंडिया चाइना ट्रेड सैंक्शंस और अमेजॉन फ्लिपकार्ट में इन प्रोडक्ट्स की लगातार अनअवेलेबिलिटी के कंप्लेंस के बाद हमने इस विशेष एपिसोड में एक ऐसे स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट किया है जो बिकता भी है एक स्वदेशी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बुलबुल पे। तो अब प्रोडक्ट भी होगा स्वदेशी और दुकान भी होगा स्वदेशी। नमस्कार अमेरिकी साथियों, मैं हूं लोकनाथ। और लीजिए फिर हम हाजिर हो चुके हैं एक फ्रेश एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है। लेकर आ गए हैं चार ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर जो किया जाता है 500 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच में। दोस्तों, ये जो स्पीकर है बहुत ही ज़्यादा दमदार बेस के साथ आती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन चार बेजोड़ ब्लूटूथ स्पीकर की बात टेकबॉक्स हिंदी के साथ। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो छोड़े सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। शुरू करते हैं आज का एपिसोड प्रोटोनिक साउंड ड्रम टीनी पावर हाउस से। तो दोस्तों, ये प्रोटोनिक साउंड ड्रम की पैकेजिंग व्हाइट और रेड में बेहद ही नीटली पैक्ड देखने को मिलता है, जिसमें सामने प्रोडक्ट ग्राफिक्स और पीछे कनेक्टिविटी ऑप्शंस और फीचर्स को ग्राफिकली समझाया गया है। प्रोटोनिक्स के इस ब्लूटूथ स्पीकर के पैकेजिंग कंटेंट्स में ब्लूटूथ स्पीकर के अलावा एक माइक्रो यूएसबी टाइप बी चार्जिंग केबल, एक 3.5 mm ऑक्सिलरी केबल, एक वारंटी कार्ड और एक सर्टिफिकेट टू ओनरशिप देखने को मिल जाता है। बात करें अब अगर स्पीकर के बिल्ड क्वालिटी और डायमेंशंस की, तो दोस्तों ये स्पीकर 7.9x7.9x9.5 cm डायमेंशन के साथ और 422 grams वेट के साथ आ जाता है, जिसे हाथ में लेने पर एक बात जो दावे के साथ कही जा सकती है वो है इस ब्लूटूथ साउंड ड्रम की अमेजिंग प्रीमियम क्वालिटी। दोस्तों, ये साउंड ड्रम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में भी टॉप की जगह बनाती है। वैसे भी प्रोटोनिक्स का नाम हम मार्केट में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के कारण ही जानते हैं। सो दोस्तों, यहाँ इस प्रोटोनिक्स के साउंड ड्रम में 360° मेटल ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो बेहद ही रगेड और इन हैंड सॉलिड फील कराने वाली है। साथ ही ऊपर प्रोटोनिक्स की ब्रांडिंग और नीचे चार रबर फुट्स देखने को मिल जाते हैं। साउंड ड्रम के एक साइड में एक ऑसमली कॉमुफ्लेस्ड फंक्शनलिटी बटन देखने को मिलता है, जिनमें पहला ऑन ऑफ या डिफरेंट प्लेबिलिटी ऑप्शन, जैसे ऑब्वियसली ब्लूटूथ ऑक्सिलरी केबल के थ्रू प्लेबैक कैपेबिलिटी, यूएसबी पेन ड्राइव से म्यूजिक प्लेबिलिटी मोड, और सबसे इंटरेस्टिंगली आप इस ब्लूटूथ साउंड ड्रम से रेडियो का आनंद भी ले सकते हैं, जिसके लिए भी यहां मोड देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ स्पीकर के ऑन ऑफ और मोड सिलेक्शन बटन के बाद नेक्स्ट बटन है वॉल्यूम अप और फॉरवर्ड ट्रैक चेंज करने का बटन, जिसके नीचे म्यूजिक प्ले पॉज प्लस स्पीकर फोन बटन देखने को मिलता है, जहां से यूजर आसानी से कॉल्स रिसीव या रिजेक्ट भी कर सकता है। और यहां हम आपको बताते चले कि इस साउंड ड्रम की जो माइक की क्वालिटी है वो भी बेहद ही आला दर्जे की है, जो कि कॉल क्वालिटी के लिए बेहद ही जरूरी आयाम होती है। और फाइनली लास्ट बटन आ जाता है वॉल्यूम डाउन और प्रीवियस ट्रैक चेंज करने का बटन। वहीं साउंड ड्रम के दूसरे साइड में वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ लीड ओपन करने पर LED इंडिकेटर, USB पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस साउंड ड्रम में इतने बेहतरीन प्रोटेक्शन का कारण इस साउंड ड्रम में IPX6 रेटिंग है, जो कि इसे वाटर और डर्ट रेजिस्टेंट बना देती है। बात करें अब अगर इस ब्लूटूथ स्पीकर के सबसे जरूरी एस्पेक्ट यानी इसके साउंड क्वालिटी की, तो दोस्तों ये साउंड ड्रम 2 4.5 watt के आउटपुट ड्राइवर से इक्विप्ड है, जो कि राइट और लेफ्ट में लगे हुए हैं, जो पूरे 360° पर 9 watt के धमाकेदार बेस के साथ आउटपुट डिलीवर करता है। लिटरली इस साउंड ड्रम के साइज पर तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये साउंड ड्रम अपने बेस के क्वालिटी से किसी को भी भौंचक्का कर सकती है। आइए आपको सुनाते हैं प्रोटोनिक साउंड ड्रम का एक बेहतरीन साउंड टेस्ट, जो हमारे एकॉस्टिक क्यूबिकल में रिकॉर्ड किया गया है, ताकि स्टूडियो के मैक्सिमम इको को कट डाउन किया जा सके और आपको एक न्यूट्रल फीडबैक मिल सके, ताकि आप इस स्पीकर के एक्चुअल आउटपुट डिलीवर कैलिबर का सही सही अंदाजा लगा सके। साथ ही हम आज दिखाए जाने वाले तमाम स्पीकर्स में एक ही सॉन्ग्स चलाने वाले हैं, ताकि आपको सभी स्पीकर्स के रियल आउटपुट कैलिबर का आइडिया बेहतरीन ढंग से हो सके। आशा है आपको इस साउंड ड्रम के आउटपुट का अंदाजा हो चुका होगा। और अगर आप आज के दिखाए जाने वाले किसी भी साउंड ड्रम में अपने पसंद का म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो आप उस सॉन्ग का नाम हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल टेकबॉक्स इन दी ऑफिशियल पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, जहां हम आपके रिक्वेस्ट किए गए 5 पहले सॉन्ग्स को इंस्टाग्राम में अपलोड कर देंगे।
बहरहाल बात करें अगर इस प्रोटोनिक साउंड ड्रम के बैटरी की, तो दोस्तों ये साउंड ड्रम इक्विप्ड है 1800 mAh बैटरी के साथ, जो कि पैकेट में आए माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल से फुल चार्ज करने में 2 घंटे का वक्त लेता है। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये एस्टोनिशिंगली 7 आवर्स का फुल प्लेबैक टाइम दे देता है। कुल मिलाकर प्रोटोनिक का ये आज के एपिसोड के एंट्री लेवल अमेजिंग ब्लूटूथ साउंड ड्रम स्पीकर, जो कि ब्लूटूथ वर्जन 4.2, 10 मीटर ट्रांसमिशन रेंज, IPX वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, 1 ईयर की वारंटी, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ ऑक्सिलरी केबल, यहाँ तक की रेडियो तक को प्ले करने की क्षमता वाले इस बेहद ही बेहतरीन बेस डिलीवर करने वाले स्पीकर को बुलबुल स्वदेशी ऐप से 1999 रुपीज में खरीदा जा सकता है, जिसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोटोनिक्स ब्लूटूथ स्पीकर, वी हैव ब्रीज 2 इन क्यू। एक्चुअली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ये ब्लूटूथ स्पीकर देखते ही प्रोटोनिक साउंड ड्रम का बड़ा भाई लगता है। प्रोटोनिक्स ब्रीज 2 की पैकेजिंग रेड और व्हाइट में एज यूजुअल नीट अपीयरेंस के साथ आती है, जिसके सामने ब्रीज 2 की ग्राफिक्स और साइड में स्पीकर के हाइलाइटेड फीचर्स को डिपिक्ट किया गया है। बात करें अब अगर पैकेजिंग कंटेंट की, तो दोस्तों इस ब्रीज 2 ब्लूटूथ स्पीकर की पैकेजिंग जो कि बुक के स्टाइल में ओपन होती है, में एक माइक्रो यूएसबी टाइप बी केबल, एक 3.5 mm ऑक्सिलरी केबल, एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। बात करें अगर स्पीकर के डायमेंशन व डिजाइन की, तो दोस्तों ये 6.4x6.4x19.6 cm का ब्लूटूथ स्पीकर जो कि 726 ग्राम वेट के साथ आती है, कि बिल्ड क्वालिटी अगेन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बेहद ही प्रीमियम है। मिलिट्री कॉमोफ्लेज मेटल ग्रिल में कंटेंट इस स्पीकर में 2 बेस रेडिएटर्स देखने को मिल जाता है, जो कि सिचुएटेड है एक ऊपर और एक नीचे, जिसमें आ जाती है फुल RGB एम्बियंट लाइटिंग भी। ब्रीज 2 के साइड में ब्लैक कॉलम के अंदर कंपनी ने बेहद ही कन्वीनियंट फॉर्म में डिफरेंट फंक्शनैलिटी स्विचेस को अलॉट कर दिया है। इनफैक्ट स्पीकर का हर फीचर, हर कोना बेहद ही हाई एंड प्रोडक्ट डिजाइन की गवाही देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप इसके चार्जिंग इंडिकेटर्स को ही ले लीजिए, जो तभी विजिबल होती है जब चार्जिंग ऑन होती है, वरना कोई बता नहीं सकता कि इस स्पीकर में कोई LED इंडिकेटर भी लगा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम RGB एम्बियंट लाइट टू इट्स मेटल और रबर टेक्सचर कॉम्बिनेशन, इस स्पीकर का मिलिट्री कॉमोफ्लेज डिजाइन सब मिलाकर इसे बेहद ही मैच्योर, सेल्फ कंटेंट एंड रोबस्ट डिजाइन वाली एक स्पीकर बना देती है। बैक टू ब्रीज 2 स्विचेस, सबसे पहले यूजर को देखने को मिलता है पावर ऑन ऑफ और मोड सिलेक्शन बटन, जिसके द्वारा यूजर इस ब्लूटूथ साउंड ड्रम के ब्लूटूथ ऑक्सिलरी मोड और माइक्रो SD कार्ड मोड में टॉगल कर सकता है और अपने पसंदीदा सोर्स से म्यूजिक प्ले कर सकता है। अगला बटन ब्लूटूथ ऑन ऑफ करने के अलावा फोन कॉल उठाने या रिजेक्ट करने और लास्ट डायल्ड नंबर को रिडायल करने में काम आता है। वैसे यहाँ हम आपको बताते चले कि ब्लूटूथ स्पीकर में ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का यूज हुआ है, जो कि किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या PC से आसानी से कनेक्ट हो सकता है, और इसकी माइक की क्वालिटी भी टॉप ऑफ द लाइन है। ब्रीज 2 का तीसरा बटन म्यूजिक प्ले पॉज के साथ RGB एम्बियंट लाइट को ऑन या ऑफ करने में कंट्रोल देता है, जो कि एक सुपर यूटिलिटेरियन फीचर है, स्पेशली उनके लिए जिन्हें RGB लाइटिंग नहीं पसंद है किसी साउंड ड्रम में, या ये फीचर उनके लिए भी बेहद ही काम आ सकता है जो इस ब्लूटूथ स्पीकर से ज्यादा म्यूजिक प्लेबैक टाइम निकालना चाहते हैं। स्पीकर में कुल 2000 mAh बैटरी इनबिल्ट मिल जाती है, जो कि पैकेजिंग के साथ आए माइक्रो USB केबल से चार्ज करने पर 4 घंटे का टाइम लेता है, और एक बार फुल चार्ज होने पर 7 घंटे का नॉनस्टॉप प्लेबैक टाइम ये स्पीकर यूजर को दे देता है। स्पीकर का फोर्थ बटन वॉल्यूम इंक्रीज, ट्रैक चेंज और SD कार्ड में फोल्डर चेंज करने के काम आता है। स्पीकर का पांचवा बटन वॉल्यूम डिक्रीज, प्रीवियस ट्रैक में जाने और SD कार्ड में प्रीवियस फोल्डर के जाने का कमांड लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इस ब्लूटूथ के 6th स्विच में है, जो कि है TWS यानी ट्रू वायरलेस स्टीरियो फीचर, जो कि एनेबल करने पर आप इस जैसे ही किसी और स्पीकर को इस स्पीकर के साथ कनेक्ट करके ट्रू डिजिटल आउटपुट स्टीडियो का मजा भी ले सकते हैं, जिसमें क्लियर राइट और लेफ्ट चैनल का सेपरेशन देखने को मिलता है। दोस्तों प्रोटोनिक्स का ये ब्रीज 2 स्पीकर 20W आउटपुट के साथ आता है, जिसका बेस थ्रू डेफिनेटली टॉप ऑफ द लाइन इन द सेगमेंट है। और आइए आपको सुनाते हैं ब्रीज 2 का एक छोटा सा साउंड टेस्ट। कुल मिलाकर इस प्रोटोनिक्स ब्रीज 2 जो कि IPX4 डर्ट और वाटर रेजिस्टेंट क्वालिटी के साथ आती है, साथ ही RGB एम्बियंट लाइटिंग
और 20 वॉट साउंड आउटपुट डिलीवरी के साथ आने वाले स्पीकर को बुलबुल से 2099 रुपीज में खरीदा जा सकता है, जो कि आ जाता है पूरे एक साल की वारंटी के साथ। बात करें अब अगर इस एपिसोड के अगले पोर्ट्रॉनिक स्पीकर की, तो दोस्तों पोर्ट्रॉनिक्स रोर नाम से आने वाला ये ब्लूटूथ स्पीकर आज के एपिसोड में दिखाए जाने वाले तमाम ब्लूटूथ स्पीकर में सबसे ज्यादा पावरफुल आउटपुट रखता है, जो कि है अमेजिंगली बेस थम्पिंग 24 वॉट्स का साउंड आउटपुट डिलीवरी, जो कि प्रोड्यूस होता है 2 12-12 वॉट के स्पीकर से। दोस्तों पोर्ट्रॉनिक्स रोर की पैकेजिंग नेचुरली काफी बड़ी है, क्योंकि इसमें आने वाले स्पीकर का साइज भी बहुत ही बड़ा है, जिसमें सामने ब्लैक एंड रेड में एक टाइगर रोरिंग ग्राफिक्स देखने को मिलता है और पीछे पोर्ट्रॉनिक्स रोर के फीचर्स को डिपिक्ट किया गया है। दोस्तों पैकेज खोलने पर पैकेजिंग कंटेंट में यूजर को यूजर मैनुअल, 3.5 mm ऑक्सिलरी केबल और माइक्रो USB टाइप बी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। नजर डाले अब अगर पोर्ट्रॉनिक्स रोर के डायमेंशन और बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों ये पोर्ट्रॉनिक्स का स्पीकर 26.5 × 11.8 × 25.9 cm डायमेंशन और 2 kg वेट के साथ आता है। साथ ही ये प्रोट्रॉनिक्स रोर ब्लूटूथ स्पीकर बने हैं एपिक्स क्वालिटी के हार्ड प्लास्टिक से, जिसमें ऊपर की ओर एक हैंडल और सामने एक ब्लैक मेटल ग्रिल देखने को मिल जाता है, जिस पर बना है प्रोट्रॉनिक्स बैजिंग, जो कि ऑसमली लिट अप होता है जब स्पीकर को ऑन किया जाता है। साथ ही स्पीकर के फ्रंट में बेहद ही रोबस्ट लुक के साथ दिखता है एक चंकी वॉल्यूम नॉब, जिसके साथ बाएं से दाएं दिए गए स्विचेस में सबसे पहले पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जिसके बाजू में लास्ट सॉन्ग को टॉगल करने का बटन और उसके बाद सॉन्ग प्ले पॉज और ब्लूटूथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने का बटन देखने को मिलता है, जिसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने का बटन और फाइनली मोड चेंजिंग बटन यूजर को देखने को मिलता है, जहां पे यूजर ब्लूटूथ मोड, ऑक्सिलरी मोड, TF मोड या TWS मोड में से कुछ भी अपने पसंद का चुन सकता है, जिन्हें इन बटन्स के बाजू में दिए गए LED इंडिकेटर से स्पीकर डिनोट कर देती है। बात करें अगर रोर ब्लूटूथ स्पीकर के बैक साइड की, तो दोस्तों यहां अगेन वेंटिलेशन पोर्ट्स के ऊपर बाएं से दाएं देखने को मिलता है एक डिवाइस रीसेट की होल, देन USB चार्जिंग जैक, जिसके बाद चार्जिंग इंडिकेटर लाइट और TF कार्ड रीडर और फाइनली ऑक्सिलरी जैक एरिया देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें अगर इस ब्लूटूथ स्पीकर में लगे ब्लूटूथ वर्जन की, तो दोस्तों इस स्पीकर में लगा हुआ है ब्लूटूथ वर्जन 4.2, जो कि 10 मीटर का सीमलेस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करा देता है, जिसे पावर देता है ह्यूज 6000 mAh की बैटरी, जिसे 0 to 100% चार्ज करने में लगते हैं 3.5 hours का टाइम, और एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद 70% वॉल्यूम पर इस स्पीकर पर म्यूजिक प्ले करने पर ये स्पीकर दे देता है नॉनस्टॉप 7 hours का म्यूजिक प्लेबैक टाइम। आइए आप आपको सुनाते हैं इस रोर ब्लूटूथ स्पीकर की एक रोरिंग साउंड टेस्ट। दोस्तों कुल मिलाकर इस बेस्ट इन क्लास बेस और साउंड क्वालिटी वाले TWS माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ऑक्सिलरी पोर्ट सपोर्टेड फीचर वाले पोर्ट्रॉनिक्स रोर को बुलबुल से 3999 रुपीज में खरीदा जा सकता है, जो कि अनडाउटेडली आपके लेट नाइट पार्टीज में जान डाल देने वाली है, और साथ ही ये स्पीकर आ जाती है 1 साल की वारंटी के साथ भी। दोस्तों पार्टीज की बात चली ही है, तो दोस्तों हम उन स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकते हैं जिनके लिए लाइफ इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेशन है। लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ से जो भी गुजरा है वो जानता है कि स्टूडेंट लाइफ में एक्सपेंस करने की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे में हमें कोई ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर की तलाश थी जो कि सभी प्रकार के फीचर से लोडेड भी हो और साथ ही एक साधारण स्टूडेंट के बजट में फिट भी बैठती हो। और सबसे जरूरी बात, हमें चाहिए था एक स्वदेशी प्रोडक्ट जो कि स्वदेशी बुलबुल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हो। तो दोस्तों हम लेकर आ गए हैं फ्रॉगबुल GT111, जो कि गुजरात के अहमदाबाद बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी द्वारा बनाया गया है। बात करें अगर प्रोडक्ट पैकेजिंग की, तो दोस्तों इस प्रोडक्ट के पैकेट के फ्रंट साइड में देखने को मिलता है इस प्रोडक्ट का एक ग्राफिकल डिपिक्शन और पैकेज के बैक साइड में ब्लूटूथ स्पीकर GT111 का एक स्पेसिफिकेशन और फीचर प्रिंटेड देखने को मिल जाता है। पैकेजिंग कंटेंट में ब्लूटूथ स्पीकर के अलावा एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। बात करें अब अगर इस फ्रॉगबुल ब्लूटूथ स्पीकर के बिल्ड क्वालिटी और डायमेंशन की, तो दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर पूरे 360 डिग्री मेटल ग्रिल से एनकेज्ड है, जिसका डायमेंशन 17.4 × 8.1 × 6.6 cm का है और जो कि वेट लिए हुए है 400 ग्राम्स की, जिसके ऊपर रोज गोल्ड मेटलिक हेड देखने को मिल जाता है, जिस पर लोकेटेड है रबराइज्ड बटन्स, जिसमें सबसे पहले मोड सिलेक्शन बटन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू यूजर ब्लूटूथ मोड, USB मोड, पेन ड्राइव मोड, SD कार्ड मोड, लाइन इन मोड
और यहाँ तक कि रेडियो मोड को भी चुन सकता है। है ना कमाल का फुल्ली लोडेड फीचर वाला स्पीकर। और यही नहीं, मेनू बटन के बाजू में TWS बटन भी देखने को मिल जाता है, जो कि अमूमन बेहद ही कॉस्टली और प्रीमियम ब्लूटूथ स्पीकर्स में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इस स्पीकर के TWS फीचर को एनेबल करके आप इस जैसे दूसरे स्पीकर को इस स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट के क्लियर चैनल सेपरेशन के थ्रू ट्रू डिजिटल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। TWS बटन के बाद सेंटर में म्यूजिक प्ले पॉज, कॉल रिसीव या रिजेक्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग और रेडियो स्टेशन सर्च करने का ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला बटन भी देखने को मिल जाता है, जिसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज बटन प्लस नेक्स्ट सॉन्ग बटन और बाएं तरफ वॉल्यूम डिक्रीज बटन प्लस प्रीवियस सॉन्ग बटन देखने को मिल जाता है। स्पीकर के बैक साइड में पावर ऑन ऑफ स्विच, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, SD कार्ड स्लॉट और USB पोर्ट जहां यूजर अपने पसंदीदा सॉन्ग्स के पेनड्राइव को इंसर्ट कर सकता है देखने को मिल जाता है। बात करें अब अगर GT111 ब्लूटूथ स्पीकर के बैटरीज की, तो दोस्तों इस स्पीकर में लगे हैं 1200 mAh की बैटरीज, जिसे 0 to 100% चार्ज करने में लगता है 2 घंटों का वक्त। और साथ ही एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्पीकर दे देता है 5 घंटे का नॉनस्टॉप म्यूजिक प्लेबैक टाइम। साथ ही स्पीकर ब्लूटूथ वर्जन 4.2 से भी लैस है, जो कि अगेन 10 मीटर का सीमलेस ट्रांजिशन प्रोवाइड करा देता है। दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं इस स्पीकर का ऑसम बेस आउटपुट, जो कि डिलीवर होता है इनके 10 वॉट के ड्राइवर से। दोस्तों, कुल मिलाकर इस SD कार्ड सपोर्ट, USB पेन ड्राइव, रेडियो और प्रीमियम TWS फीचर के साथ आने वाले इस GT111 साउंड ड्रम को बुलबुल से मात्र 499 रुपीज में खरीदा जा सकता है। अब इसे ही तो कहते हैं एक सर्वगुण संपन्न ब्लूटूथ स्पीकर फॉर स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसी के साथ आशा है आपको हमारा ये बेहद ही मेहनत और प्यार से बनाया हुआ एपिसोड आ गया है पसंद। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही कोई शंका या जिज्ञासा की स्थिति में हमें कमेंट कीजिए और हमें आपके अपनों से मिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ बेहद ही बेहतरीन व दिलचस्प गैजेट्स के साथ। तब तक इस लॉकडाउन में आप रहिए सेफ और अपने गैजेट को मत करना भूलिएगा सैनिटाइज। हैप्पी गैजेटिंग।